हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सेट नंबर 3 की, बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखेंगे, 30 क्वेश्चंस देखेंगे गाइस। तो सभी क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर देना, आप लोगों को आंसर आता है तो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है, स्टैटिक जीके बेस्ड है और जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो गाइस आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा, ग्रमपानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। आपसे पूछा गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया है जिसका नाम है वन्य ये ग्रमपानी। तो ग्रमपानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ग्रमपानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, असम के अंदर स्थित है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम के अंदर दीपू के अंदर स्थित है। ओके गाइज, दीपू DIPHU इसको बोला जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है, असम हो गए, असम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है गाइज कार्बी और लॉन्ग, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, असम के अंदर वहाँ पे स्थित है। बाकी स्टेट्स के अंदर अपन बात कर लेते हैं कौन सा कहाँ पे स्थित है। असम के अंदर एक तो ये हो गया ग्रमपानी वन्यजीव अभयारण्य, बाकी यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट असम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काजीरंगा, एक तो काजीरंगा हो गया, दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिब्रू शिकोवा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मानस इंपॉर्टेंट है, ओरांग इंपॉर्टेंट है, मानस हो गया, ओरांग हो गया और नामेरी हो गया, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है जो असम के अंदर स्थित है। नेशनल पार्क कौन कौन से हो गए, काजीरंगा, डिब्रू शिकोवा, मानस, ओरंग, नामेरी, सभी कहाँ पे स्थित है असम के अंदर स्थित है। सिक्किम के अंदर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्किम के अंदर जो स्थित है उसका नाम है गाइज कंचनजंगा। ओके गाइज, गुजरात के अंदर आप लोगों को पता है गिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में एक मरीन नामक है। ओके, गिर हो गया, मरीन हो गया, वंशदा हो गया, ये सभी कहाँ पे है गुजरात के अंदर स्थित है। नागालैंड के अंदर बात करें तो NTANGKI नटंगा की इस तरीके से नाम है जो नागालैंड के अंदर स्थित है। तो गाइस सभी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन होता रहेगा डेली बेसिस के ऊपर, इसी तरीके से देखते रहेगा ताकि आपके हर क्वेश्चंस जीके रटने की जरूरत नहीं है, जीके को आप जितना ज़्यादा बार रीड करोगे तभी आपके क्लियर होते चलेंगे। राज्य जो रबड़ के उत्पादन में सबसे ऊपर है, आपको बताना कि कौन सा भारत का राज्य है जो रबड़ के उत्पादन में टॉप है। अगर वर्ल्ड के अंदर भारत की पोजीशन की बात करें रबड़ प्रोडक्शन में, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ, वर्ल्ड के अंदर भारत की पोजीशन है चौथी, और भारत के अंदर टॉप पे कौन है, तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केरल के साथ में, ऑप्शन नंबर ए है, एक केरल टॉप पे है, उसके बाद में कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पे भी रबड़ का उत्पादन होता है। तो यहाँ से आपसे ये पूछा गया कि टॉप कौन सा स्टेट है, तो आंसर हो जाएगा नंबर वन पे केरल, तिरुवनंतपुरम वहाँ की राजधानी है, ध्यान में रखिएगा। भारत में एक पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किसने की, पिन की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई, पिन नंबर की शुरुआत या पिन कोड की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ये 6 डिजिट का कोड होता है गाइज, ये भी आपको पता होना चाहिए, 6 डिजिट का कोड होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीराम भिखाजी वेलंकर के द्वारा की गई, और कब की गई गाइज 15 अगस्त 1972 को, ध्यान में रखना 15 अगस्त 1972 को की गई शुरुआत, किसकी, पिन कोड की शुरुआत की गई श्रीराम भिखाजी वेलंकर के द्वारा, पोस्टल इंडेक्स नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है, 6 डिजिट कोड है। किस शहर को दुनिया की स्वर्ण राजधानी के रूप में जाना जाता है, गोल्डन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, किस शहर को दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है गाइज, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, दुनिया की राजधानी। देखिए गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड माइंस है, गोल्ड माइंस यानी सोने की खाने हैं, और गोल्ड माइंस होने की वजह से इसको कहा जाता है गोल्डन कैपिटल, और ये कहाँ पे स्थित है, साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोहान्सबर्ग के अंदर स्थित है, और भारत की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है, भारत की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है, अमृतसर को। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडी किस देश की कार निर्माण कंपनी है, ऑडी किस देश की कार निर्माण कंपनी है गाइज, आंसर दीजिएगा ऑडी कार। देखिए गाइज एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, जो ओलंपिक होता है उसके अंदर जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल्स है जो भी है, उसके अंदर जो रिंग होता है उसमें कितनी वलय होती है, तो उसमें गाइज 5 वलय होती हैं, ठीक है गाइज, ऑडी कार होता है इसका जो होता है उसके अंदर 4 वलय होती हैं, आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर 4 रिंग होती हैं। ओके गाइज, और इसके अंदर होती है 5 रिंग गेम्स में, ठीक है। तो ऑडी कार है ये कहाँ की है, तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। और इंडिया के अंदर ऑडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया के अंदर ऑडी का हेडक्वार्टर का है, जैसे इसका जो मेन हेडक्वार्टर है जर्मनी के अंदर है, और इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर, और भारत के अंदर इसकी स्थापना कब होती है, 2007 के अंदर होती है। ओके गाइज,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है? मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवाएं गज किन किन देशों के बीच में चलती हैं? आंसर देना आपको, क्या आंसर बनेगा, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल या भारत भूटान? मैत्री एक्सप्रेस, तो गज आंसर हो जाएगा आपका भारत बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका राजधानी है, टक्का वहाँ की मुद्रा है, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है मैत्री एक्सप्रेस और इसकी शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2008 से इसकी शुरुआत होती है। वेस्ट नाइल वायरस का प्राकृतिक वाहक कौन है जिससे केरल में एक 6 साल के लड़के की मृत्यु हो गई थी? देखिए गाइस, जिसे निपाह वायरस आया था उसी पर उसी तरीके से केरल के अंदर एक वायरस और आया था जिसका नाम था वेस्ट नाइल वायरस। और इसका भी सिम्टम्स गाइस लक्षण वैसे ही है जिसके अभी कोविड-19 के लक्षण है, बुखार आना, फीवर होना, वही इसी के मिलते जुलते लक्षण है। वेस्ट नाइल वायरस, इसका प्राकृतिक वाहक कौन है? गाइस ये भी मच्छरों की वजह से होता है, ध्यान में रखना, और मच्छरों के साथ साथ में ये इन्फेक्टेड पक्षियों की वजह से भी होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस ये जो वेस्ट नाइल वायरस है ये किस किस के द्वारा फैलता है? एक तो बर्ड के द्वारा फैलते हैं, इन्फेक्टेड बर्ड्स है, और एक मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलते हैं, मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। और कहाँ पर है? केरल के अंदर ये फैला था जिसके एक बच्चे की मौत हो गई थी। और निपाह वायरस भी केरल के अंदर फैला था। निम्न में से किसने भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? देखिएगा, भगत सिंह ने नेशनल असेंबली, ये जो सेंट्रल असेंबली कहाँ पे थी, ये लाहौर के अंदर थी, सेंट्रल असेंबली लाहौर के अंदर भगत सिंह ने बम फेंके थे, ठीक है। तो भगत सिंह के साथ में और कौन था गाइस? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइस भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और इनको एक साथ फांसी दी गई थी। ये तो हो गई। अब इसने बम कब फेंका था? सेंट्रल असेंबली लाहौर के अंदर बम कब फेंका था? तो गाइस बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को, 1929 को बम फेंका गया था, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से किसके अंदर उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर है जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाशीय तंतु। गाइस आपको यहाँ पे बताना है कि प्रकाशीय तंतु है, इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? ऑप्शन है बुनाई, संचार, संगीत वाद्य यंत्र या खाद्य उद्योग। ऑप्टिकल फाइबर का यूज किसके अंदर किया जाता है? एक तो गाइस इसका सजावटी सामान होते हैं उनके अंदर किया जाता है, सजावट में किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है गाइस संचार के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर किया जाता है, इसके कम्युनिकेशन के अंदर किया जाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके गाइस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? देखिए गाइस, यानी ये जो शुरुआत क्यों की गई थी उस टाइम क्या होगा कि जो द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम में मतलब भारत को भी शामिल करने की घोषणा कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। और महात्मा गांधी जी कहते थे उस इंसान को वहाँ पर जाके भाषण देना था और अपनी गिरफ्तारी देनी थी। तो सबसे पहले ये शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले किसका नाम लिया था? तो यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे का नाम लिया था, उसके बाद में नेहरू जी का नाम लिया था। तो पहले जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही वो थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा पवनार, पवनार से शुरुआत की थी। पवनार पड़ता गाइज महाराष्ट्र के अंदर गांव है, ठीक है गाइज। और सबसे पहला सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाराम मौर्य राय संस्थापक थे? देखिए ऑप्शन में से बताना है आपको राजाराम मौर्य राय किसके संस्थापक थे? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे गाइज? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। बाकी के और देख लेते हैं अपन जो इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है गाइज स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ओके गाइज, आर्य समाज की स्थापना की जाती है दयानंद सरस्वती के द्वारा। ओके गाइज, ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। ओके और प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है गाइज? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ओके गाइज, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, संयुक्त राष्ट्र महासभा की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बोल दीजिएगा और भारत की महिला प्रथम महिला अध्यक्ष बोल दीजिएगा चाहिए, उसका नाम बताना है आपको। और सर्वप्रथम ये महिला कैबिनेट भी बनी थी भारत के अंदर, पहली महिला कैबिनेट कौन थी, कैबिनेट में शामिल होने वाली महिला कौन थी भारत के अंदर, वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यह अपन ऐसे भी कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र में होने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो गाइज आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये सिस्टर थी, बहन थी, आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 14। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, या सिंपल सा ये सब बताइएगा कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये भी एक क्या था, ये पत्रकार थे तो उनसे संबंधित ये पुरस्कार दिया जाता है उनके नाम पे, और ये पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइज, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अरिंजिता डे किस खेल से संबंधित है गाइज, किसी खिलाड़ी का नाम है, भारत के अंदर है, ये बंगाल से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। आपको बताना कि अरिंजिता डे किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन है कराटे, एकिडो, कुंग फू या जूडो। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है गाइज, ये अरिंजिता डे किस खेल से संबंधित है। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कराटे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक राजशाही का अर्थ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब क्या है, या संवैधानिक राजशाही का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। संवैधानिक राजशाही का अर्थ क्या है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। संवैधानिक राजशाही राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 17। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान चंदौली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो गाइज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से गाइज, एक तो चंदौली हो गया, एक संजय गांधी हो गया, संजय गांधी के नाम पे नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के अंदर हो गया। उसके बाद में गाइज एक तड़ोबा नाम से, कोयना मित्रा कोयना के नाम से एक, ठीक है, तड़ोबा, कोयना, संजय गांधी, चंदौली, ये सब कहाँ पे स्थित है गाइज, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तेलंगाना के अंदर कौन कौन से है, इसके अंदर मृगवानी नाम से गाइज, ठीक है, महावीर के नाम से, और एक है कसु ब्रह्मनंदा के नाम से नेशनल पार्क स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे अन्नामलाई नाम से है, ओके गाइज, और है नीलगिरी नाम से है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह दुधवा नाम से है। ये सभी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है स्टेट्स के अंदर, उत्तर प्रदेश दुधवा हो गए, महाराष्ट्र के अंदर चंदौली, संजय गांधी, तड़ोबा, कोयना, तेलंगाना के अंदर मृगवानी, महावीर, कासु ब्रह्मनंदा, तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई, नीलगिरी। रिवर्स प्रतिलेखन किसके द्वारा खोजा गया था, ये एक एंजाइम का नाम है गाइज, रिवर्स प्रतिलेखन एक एंजाइम का नाम है, जिसका मतलब होता है आरएनए से डीएनए के कुछ प्रॉपर्टीज निकालने से संबंधित है ये। देखिएगा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी गई थी वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स प्रतिलेखन यानी आरएनए से डीएनए की कुछ चीज़ें निकालना, ये किससे संबंधित है, गाइज ये संबंधित है टेमिन और बाल्टीमोर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम की बात करें तो गाइज हॉवर्ड टेनिन, ये तो हो गया टेनिन का पूरा नाम हो गया, और डेविड बाल्टीमोर ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो टेनिन और बाल्टीमोर संबंधित है गाइज, रिवर्स प्रतिलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का लोक नृत्य कौन सा गाइज, ऑप्शन आपके सामने डांडिया, मौनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी। तो गाइज मौनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी ये तो क्लासिक है, ओके गाइज, और ये हो गया आपका लोक नृत्य, फोक डांस हो गया। डांडिया कहाँ पे खेला जाता है गाइज, गुजरात के अंदर खेला जाता है, तो ये तो गुजरात से संबंधित हो गया। मौनीअट्टम कहाँ का है गाइज, ये केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। और कथक कहाँ का है, कथक गाइज नॉर्थ इंडिया, यूपी आप बोल सकते हो। मणिपुरी हो गया आपका मणिपुर का, ये सब इम्पोर्टेंट हो गया, क्लियर। मौनीअट्टम केरल का है, कथकली केरल का है, मणिपुरी की बात करें तो ये हो गया आपका मणिपुर का,
और डांडिया गुजरात के अंदर खेला जाता है। पैठानी साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, किस स्टेट से बिलोंग करती है पैठानी साड़ी, जैसे बनारसी साड़ी है वैसे पैठानी साड़ी है, तो आपको बताना कि किस स्टेट से ये बिलोंग करती है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया गया था, गाइज जिस तरीके से अभी नरेगा चल रहा है, नरेगा का मतलब भी वही है 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाना, इसी प्रकार से गाइज जवाहर रोजगार योजना है इसका काम भी यही है कि 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाना। और ये किसके द्वारा चलाई गई थी, ये चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, संघ सरकार के द्वारा, तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के द्वारा। इसके अंदर शायद 82 का रेशियो है, 82 सेंटर इसमें पैसा देता है और 20% इसमें स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है, तो ये भी संघ सरकार का है, रोजगार से संबंधित है जवाहर रोजगार योजना। शांतिपूर्ण प्रतिशोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आंसर आ गया साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा 2-4 क्वेश्चन शायद है। शांतिपूर्ण प्रतिशोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरबिंदो घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है, फिस्कल पॉलिसी कौन तय करता है, राजकोषीय नीति का मतलब क्या है, राजकोषीय नीति का मतलब है कि गाइज कितना आप गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहे हैं, इनका लेखा जोखा कौन रखता है, इसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, गाइज ये डिसाइड किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और एट प्रेजेंट की बात करें तो वित्त मंत्री है अपने निर्मला सीतारमन, तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। गाइज आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935, ओके गाइज। और आपका जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग है अब वो बन चुका है आपका नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन चुका है, जिसके सीईओ है अमिताभ कांत। निम्न में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी, दिए गए ऑप्शन में से बताना कि आपको किसकी स्थापना है संविधान के साथ में, एक फिक्स अनुच्छेद के साथ में की गई थी, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग, किसकी स्थापना संविधान के साथ ही की गई थी, तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका इसका चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की बात करें तो गाइज इलेक्शन कमीशन है और इसके लिए जो आर्टिकल रेस्पॉन्सिबल है वह है अनुच्छेद 324। सुनील अरोड़ा एट प्रेजेंट की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। और इनके नीचे 2 चुनाव आयुक्त और हैं, एक का नाम है सुशील चंद्रा, ओके गाइज, और दूसरे का नाम है अशोक लवासा, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर चुनाव आयुक्त तो होते हैं, इसके अंदर एक तो मेन होता है अपन कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं, और 2 होते हैं इलेक्शन कमीशन। तो चीफ तो है सुनील अरोड़ा और जो मेन इलेक्शन कमीशन है सुशील चंद्र और अशोक लवासा। राष्ट्रपति निम्न में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, राष्ट्रपति निम्न में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, अप्रत्याशित खर्च का मतलब जिसका पता नहीं हो कब वो खर्चा आ जाए, उसके लिए धन दे सकते हैं राष्ट्रपति, तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका आकस्मिक निधि, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, देखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया के अंदर स्थित है, और किसने बनवाया, किस पर आधारित है, विष्णु मंदिर, विष्णु भगवान को समर्पित है ये, ठीक है गाइज। और ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था सूर्य वर्मन सेकंड ने बनवाया था। कंबोडिया की बात करें तो गाइज ये भी एक देश है जिसकी मुद्रा है RYLE, राइल। कंबोडिया की मुद्रा की बात करें तो राइल है, और नाम पेन है इसकी करेंट वो है कैपिटल, नाम पेना को लिखा जाता है पनोम पेन है, पनोम पेन है इस तरीके से लिखा जाता है। कंबोडिया पनोम पेन है राजधानी होगी और राइल वहाँ की मुद्रा हो गई, और जो अंकोर वाट का मंदिर वहाँ पे स्थित है और विष्णु भगवान को समर्पित है और सूर्य वर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था। आईटी में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीकी को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट है उसको अस्थायी रूप से देर से भेजने की यानी डिले के साथ में भेजने की तकनीकी को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है गाइज ऑप्शन नंबर सी पिग्गी बैंकिंग बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ती है तो घूर्णन की गति बढ़ने से क्या होता है, ये जो केंद्र की तरफ लगने वाले बल पर जैसे इस पॉइंट पर कोई आप खड़े हो तो यानी ये क्या करेगा, जैसे इसकी घूर्णन गति बढ़ेगी तो जैसे कि इंसान है तो इसको ये बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। अगर पृथ्वी से आप दूर जाओगे तो दूर जाओगे यानी
आपकी जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसकी वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण है वो घटता जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण घटता जाएगा पृथ्वी से दूर जाने पे, हाइट पे जाने पे भी घटता है और पृथ्वी के अंदर जाने पे भी घटता है। तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू घटेगी तो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो आपका जो वजन है वो भी घटेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते चलेंगे डेली बेसिस के ऊपर, सीरीज को देखते रहेगा गाइज। करंट अफेयर भी अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, जीएस भी कर अच्छे से कर रहे हैं, जीके भी अच्छे से कर रहे हैं, ताकि अपनी हर एग्जाम अच्छे से क्लियर होएगी। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? प्रतीक चिन्ह कैसे होता है? रुपए को इस तरीके से लिखा जाता था, इंग्लिश के अंदर इस तरीके से लिखा जाता था, तो जो सिंबल बना था वो इस तरीके से तो आर आ गया, यहाँ पे एक लाइन आ गई, यहाँ पे एक लाइन आ गई। तो ये जो सिंबल है ये किसने डिजाइन किया था, जिसमें ये तो तिरंगे को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, ये साथ तिरंगे को रिप्रेजेंट करता था, और ये दोनों तरीके की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता था, देवनागरी और इंग्लिश वाले लेटर को भी। ये सिंबल किसके द्वारा दिया गया था? संतोष कुमार, वाई वी रेड्डी, उदय कुमार या डॉक्टर रंगराजन? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय कुमार। और उदय कुमार उस टाइम क्या थे गाइज, जो IIT गुवाहाटी थे उसके प्रोफेसर थे। जब ये डिजाइन किया गया था उस टाइम ये IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर थे। और वित्त मंत्रालय ने कब स्वीकृति दी थी इस चिन्ह को, इस चिन्ह को कब स्वीकृति दी थी? वो दी थी 26 अगस्त 2010 को। 26 अगस्त 2010 को वित्त मंत्रालय ने स्वीकृत किया था। तो गाइज ये था सेशन, सेट नंबर अपन ने 3 कर लिया। जीके के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन 30 के बजाय 100 क्वेश्चन डेली कवर करते हैं गाइज। इसी तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा, जब एग्जाम होगी तब अपने अच्छे से नंबर आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,